नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में मानसून को लेकर। बिहार में भले ही मानसून एक्टिव हो गया हो, लेकिन प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा अभी भी गर्मी की मार झेल रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट में कहा गया है कि पूरे बिहार में 17 जून तक मानसून एक्टिव हो जाएगा, यानी कि पूरे बिहार में बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। कहा जा रहा है कि इस दौरान राजधानी पटना के साथ साथ प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि 5 अक्टूबर के बाद लोगों को बारिश से राहत मिलेगी, यानी कि मानसून इस दौरान लौटना शुरू कर देगा। मौसम विभाग ने प्रदेश में मानसून के एक्टिव होने को लेकर आंकड़ा जारी किया है, जिसमें कहा है कि पिछले 21 साल में 7 बार मानसून समय से पहले पहुंचा, जबकि 1 बार समय से बिहार में दस्तक दिया है और 13 बार समय के बाद मानसून एक्टिव हुआ है प्रदेश में। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह भी बताया गया है कि बिहार में पिछले 24 घंटे में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और सुपौल में जमकर बारिश हुई है। तो विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार अगले 24 से 36 घंटे में समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर के कुछ भागों में मानसून के पहुँचने की बात कही जा रही है। इसके साथ साथ यह भी बताया गया है कि पटना, नालंदा, सीतामढ़ी, सारण, गया, औरंगाबाद, सारण सहित अन्य जिलों में मानसून एक्टिव होने की बात कही जा रही है। मौसम विभाग के इस आंकड़े के अनुसार 17 जून को पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना जो है वो दिखाई गई। साथ ही साथ दक्षिण बिहार में लोगों को गर्मी से भी राहत मिलने की बात कही गई है। बिहार में जिस तरह से पहले खबरें चल रही थी कि मानसून की एंट्री के साथ साथ बिहार के लोगों को गर्मी से राहत मिल जाएगी, लेकिन सोमवार को प्रदेश में मानसून के दस्तक के साथ ही मंगलवार को दक्षिण बिहार के अन्य जिलों में प्रचंड गर्मी देखने को मिल रही है। हालांकि यह भी कहा गया है कि अगले 24 घंटे तक पटना के आसमान में हल्के बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के 19 जिलों में उमस वाली गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। बिहार में मानसून के दस्तक के बाद से मानसूनी सिस्टम धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है। मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। बिहार में इन दिनों पछुआ और दक्षिण पछुआ हवाओं का प्रभाव से दक्षिण पश्चिम स्थित बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर में लू की स्थिति बनी रहेगी, जबकि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और सुपौल में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। अगर हम पिछले कुछ साल के मानसून की बात कर लें तो साल 2010 में 130 दिन तक मानसून एक्टिव रहा था, जबकि साल 2019 में सबसे अधिक 360 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो कि मानसून का 34% था, यानी कि यह रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई थी उस साल। इस दौरान पटना में भी 3 महीने के दौरान 800 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो कि एक रिकॉर्ड था। इस दौरान राजधानी पटना के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना बेहर करना पड़ा था। यही वो समय था जब राजधानी पटना की खबरें चली थी और कहा गया था कि राजधानी पटना डूब गई है। ऐसे में इस साल भी बिहार में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है और मानसून ने भी बिहार में दस्तक दे दी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 17 जून तक पूरे बिहार में मानसून एक्टिव हो जाएगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।